एवरीवन, अब हमको देखना है माइक्रोब्सिन सीवेज ट्रीटमेंट। इसके पहले हमारा माइक्रोब्सिन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, उसके बाद माइक्रोब्सिन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोब्स के रोल क्या है ये हमारा हो चुका था। अब हमको यहाँ पर देखने का है कि माइक्रोब का रोल क्या है सीवेज ट्रीटमेंट में। तो स्टार्ट करता है। वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन द सिटीज एंड टाउन। जहाँ पर सिटीज या टाउन है वहाँ पर क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी का वेस्ट वाटर तैयार होता है। वेस्ट वाटर कैसा होता है, उस वाटर के अंदर इम्प्यूरिटी ऐड होने की वजह से, और वाटर के अंदर जो इम्प्यूरिटी होती है उसे इफ्लुएंट कहा जाता है। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब जैसे देखिए पुणे या मुंबई, ऐसे हम मेट्रोस देखते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई से वहाँ, तो वहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे टावर सिस्टम है, सोसाइटी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उनका खुद का एसटीपी होता है, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि उतने सारे लोगों का जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना ज़रूरी है। तो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीवेज, इसको बोला गया सीवेज। बट एक्चुअल में सीवेज का मीनिंग क्या होता है, सीवेज इज अ म्यूनसिपल वेस्ट जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड वेस्ट होता है, ह्यूमन्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा होता है, माइक्रोब और वो सब चीज़ें होती है जो सीवरेज सिस्टम में इंक्लूड होती है, उनको कहा जाता है सीवेज। तो ये वाटर डायरेक्टली रिवर के अंदर नहीं डालना है, डायरेक्टली रिवर के अंदर स्प्रेड नहीं करना है, इसके लिए क्या करते हैं, इसको पहले ट्रीटमेंट करेंगे। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मीनिंग होता है डिसीज कॉजिंग, पैथोस मीन्स डिसीज और जेनिक का मतलब होता है बर्थ। तो पैथोजेनिक माइक्रोब रहते हैं किसके अंदर, उस सीवेज के अंदर। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, ह्यूज क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट, मतलब अर्बन का मतलब होता है शहरी, तो जो सिटीज के अंदर ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, टाउन के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको प्रॉपरली कैसे डिस्पोज करते होगे, ये आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा। तो दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन टू अ नेचुरल बॉडीज, वाटर बॉडीज लाइक रिवर, स्ट्रीम, इनके अंदर डायरेक्टली जो सीवेज है वो वैसे के वैसे रिलीज नहीं करने आता है, क्योंकि ये जो रिवर्स है ये हमारी लाइफ लाइन है, सबको पानी ज़रूरी है पीने के लिए और बाकी पर्पस के लिए भी, तो वाटर क्लीन होना ज़रूरी है। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल इस वाटर को यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको रिवर में डायरेक्टली स्प्रेड करें, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई बिफोर डिस्पोजल हेंस द सीवेज इज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीस। कहीं पर भी अगर आप देखते हो मेट्रो सिटीज में, जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनका खुद का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, क्योंकि उतने सारे लोगों का जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, उस वाटर को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इतने सारे बिल्डिंग, इतने सारे लोग, हर किसी को वो म्यूनसिपाली से उसको पानी प्रोवाइड करना या बोरिंग से उनको वाटर प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल जाएगा, तो वाटर को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, जो सीवेज है उसको क्या करने का, हमको लेस पोल्यूटिंग और उसको रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटीरोट्रॉपिक माइक्रोब विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, एंड दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू द टू स्टेजेस। यहाँ पर मेनली टू स्टेजेस बोले, हम थ्री स्टेजेस भी बोल सकते हैं, मतलब एक थर्ड स्टेज हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट मेनली यहाँ पर टू स्टेजेस बोला, तो टू स्टेजेस याद रखना। पहली स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है इसी को फिजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, ये याद रखिए। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर सिंपल फिजिकल प्रोसेस होने वाला है। सो दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ, ये वर्ड याद रखना है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल साइज के जो है फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये दोनों चीज़ें याद रखने की है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन बोला है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ पर सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, इनिशियली द फ्लोटिंग डेब्रिज, फ्लोटिंग मतलब फ्लोट होने वाले, तरंगने वाले, तैरने वाले, डेब्रिज का मतलब होता है मास, इज रिमूव बाय द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ये भी लाइन याद रखना है, क्या बोला है यहाँ पर, कि जो फ्लोटिंग डेब्रिज है इनको रिमूव किया जाता है बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जैसे देखो हमारे पास पानी है, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटी है, तो पहले उसको हम क्या करेंगे, नेट लगाएंगे, नेट मतलब जाली, जैसा हमारे जो बाथरूम होता है उसके अंदर हम नहाते वक्त क्या होता है, वहाँ पर एक जाली लगा वाली देती है, सो दैट
जो भी हमारे हेयर्स गिरे वो डायरेक्टली उस पानी के पाइप में नहीं जाना चाहिए, नहीं चोक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उस जाली के अंदर वो फंसने के बाद हम उसको क्या करते हैं, ईजिली रिमूव करते हैं। वैसे क्या करें, हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे जिसके वजह से इस सीवेज के अंदर जो बड़ी इंप्योरिटीज है वो फिल्टर हो जाएगी। देन द ग्रिट, ग्रिट मतलब गिट्टी बोलते हैं, मतलब स्टोर के जैसा, तो हमको रेलवे ट्रैक जो होता है उसके नीचे दिखता है देखो ग्रिट स्टोन, तो वो ग्रिट, तो वैसे ग्रिट जो होते हैं सॉइल, स्मॉल पेबल, पेबल पेबल पता है गारगोटी जो बोलते हैं, तो आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि इस पानी के अंदर जो हेवी इम्प्योरिटीज है वो ज़्यादा टाइम वाटर को ऐसे रखे, क्या होता है हेवी इम्प्योरिटी जो है वो सेटल डाउन होते हैं एट द बॉटम, तो उसको कहा जाता है सेडिमेंटेशन। और जो नीचे यानी कि हेवियर पार्टिकल है मॉलिकुलर साइज जिनका ज़्यादा, वो अगर सेटल नहीं हो रहे मतलब वो तो हो जाएंगे, बट ऊपर जो पार्ट रहता है जो सेटल डाउन नहीं हुआ है उसको कहा जाता है सुपरनाटल। तो दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड सुपरनैटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का मीनिंग जनरली होता है वाटर पोल्यूटेंट। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या बोल रही है कि जैसे देखो यहाँ पर एक टैंक है, समझो ये कहता आपको ये टैंक है, समझो इसके अंदर है वाटर, ये सब कौन सा वाटर है यहाँ पर, हमने लाया वाला यहाँ पर सीवेज। और इस सीवेज से हमको क्या करना है, हमको ऐसा वाटर ड्रॉ करना है मतलब लेना है कि जो थोड़ा प्योर हो, प्योर होना जरूरी है क्योंकि ये सीवेज डायरेक्टली क्या करें हम कि जो भी नेचुरल बॉडीज है जैसे रिवर है स्ट्रीम है इसके अंदर ये वाटर डायरेक्टली रिलीज नहीं करने आता है, इसके लिए क्या करें हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कौन से ट्रीटमेंट, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और इसके अंदर हमको मेनली दो मेथड देखने के, एक प्राइमरी मेथड एक सेकेंडरी मेथड। तो ये जो प्राइमरी मेथड है, प्राइमरी मेथड इसके अंदर ही हमको और क्या दो मेथड देखने का है, कौन सी, एक तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन। तो अब क्या हो रहा है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे नेट लगाएंगे, ये ऐसे नेट साइड से, तो इससे वाटर, इस वाटर को हम जब आगे पास करेंगे इस तरीके से तो इस वाटर के अंदर जो हेवी इंप्योरिटीज है वो यहाँ पर रहेंगे और ये वाटर आगे आ जाएगा, ये आगे के स्टेज में मतलब यहाँ पर वाटर आ गया। अब यहाँ पर वाटर आने के बाद क्या होता है, देखो जो वाटर हमको फिल्ट्रेशन के बाद मिल रहा है कौन सा फिल्ट्रेशन, तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद जो हमको वहाँ का वाटर मिल रहा है, वाटर मतलब ये इम्प्योरिटी रहता है, वाटर ही क्या बोलेंगे इसको, सीवेज ही बोलेंगे हम, ये जो सीवेज है इसको क्या करें हम सेडिमेंटेशन, सेकंड स्टेप है सेडिमेंटेशन। फर्स्ट स्टेज में क्या कर लेंगे हम फिल्ट्रेशन, ये फर्स्ट स्टेज हो गया फिल्ट्रेशन, दूसरी बार कर सकते हैं हम सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होगा कि जो वाटर है उस वाटर को हम वैसे के वैसे थोड़ी देर तक रखेंगे, इसके वजह से क्या होगा इस वाटर के अंदर जो पार्टिकल का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है मीन्स सॉलिड इम्प्योरिटी, सॉलिड इम्प्योरिटी विथ हाई मॉलिकुलर वेट, जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा रहता है वो क्या हो जाते हैं सेटल एट द बॉटम, इसी को क्या कहा जाता है सेडिमेंटेशन। व्हाट इज मीन बाय सेडिमेंटेशन, हेवियर पार्टिकल गेट सेटल एट द बॉटम, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ये हो गया, उसके बाद जो ऊपर चीजें जो सेडिमेंट नहीं हुए ऊपर फ्लोट हो रही है इनको कहा जाता है सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। जैसे घर पे अगर आप दही बनाते होगे तो जो थिक पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा और जो सपोज कुछ हेवी पार्ट है तो वो नीचे आ गया, तो समझो नीचे अगर कुछ आ गया तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट और ऊपर जो फ्लोट हो रहा है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। तो ये जो सुपरनेटेंट है ये किसका काम कर रहा है, ये अभी भी इफ्लुएंट का काम कर रहा है। इफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है, तभी बोला मैंने आपको कि वाटर के अंदर के जो पोलूटेंट है उन्हीं को क्या कहा जाता है इफ्लुएंट। तो यहाँ पर दो मेथड हो गए, एक तो पहला हो गया सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, नंबर टू हो गया सेडिमेंटेशन। तो इन दो मेथड से हमको वाटर थोड़ा सा हमने मतलब जो सीवेज है उसके ऊपर प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारी हो चुकी है, मतलब हमको इफ्लुएंट मिल चुका है। अब देखिए आगे, द इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट से क्या करें हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या क्या हो रहा है, एक बार हम थोड़ा सा स्लाइड से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये माइक्रोस देखना है आपको, ह्यूमन वेलफेयर मतलब ये तो बोला मैंने आपको लेक्चर थर्ड,
प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या करें, देखो ये सब सीवेज है, इसको हम पहले क्या किए, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करना है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, देखो ये जो वाटर आ रहा है, इस वाटर के अंदर ये जो इम्प्यूरिटीज है, यहाँ पर क्या किया हमने, नेट जैसे स्ट्रक्चर लगाए, जिससे क्या होगा, इस ग्रिट चैम्बर में यहाँ पर ग्रिट गिरेगा और सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या होगा, ये जो सुपर नाटेंट है वो आगे जाएगा। तो बोला यहाँ पर कि इट इज फिजिकल मेथड इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेबिस बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और रिमूवल होगा ग्रिट का जिसके अंदर सॉइल और स्मॉल पेबल्स है बाय सेडिमेंटेशन। तो इससे जो हमको जो सेटल्ड सॉलिड्स मिले उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज, और जो सुपर नाइट्रेंट मिला इसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। तो ये दोनों चीज़ें याद रखें, इसको क्या बोला गया यहाँ पर, प्राइमरी स्लज क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसके साथ ही प्राइमरी इफ्लुएंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब क्या होने वाला है, इसके बाद हमको देखना है सेकेंडरी मेथड। तो सेकेंडरी मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है हमको सीवेज, इसके अंदर क्या करते हैं, एरिएशन करते हैं। एरिएशन का मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर एयर ब्लो करने की है, मतलब ये क्या करना है हमको, यहाँ का जो मीडियम है वो कैसा करना है, एरोबिक, एरोबिक मीडियम हमको यहाँ पर मेंटेन करना है या प्रोवाइड करना है, एरोबिक मीडियम। इसके अंदर क्या होगा, एरोबिक मीडियम मतलब ऑक्सीजन सप्लाई किया, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होती है इसके अंदर, इस सीवेज के अंदर। और एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उनको वो डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, और जब वो डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं तब क्या होगा, देखिए क्या बोला हमने, ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए तो ही आपको ये याद होता, नहीं तो नहीं होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट मतलब ही क्या बोलते हैं हम इसको, बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलता हूँ, मतलब लिखते वक्त थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ, बोलते वक्त डिटेल में बोलूँगा, क्योंकि इस पेन का जो नॉइस प्रोड्यूस होता है मे बी वो आपको अननॉइंग लगे, इसलिए शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। तो हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट से क्या मिला था, एक तो प्राइमरी स्लज मिला था हमको और इफ्लुएंट मिले थे, ठीक है, कहाँ से, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो चुकी थी। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, तो माइक्रोब का एक्शन इनके ऊपर देख रहे हैं, माइक्रोब्स क्या करते हैं। तो इसका हमने क्या किया, जो हमको सीवेज मिला उसके ऊपर क्या किया हमने, एक तो एजिटेशन और एरिएशन, एरिएशन एजिटेशन और एरिएशन से क्या होता है कि जो वो वाटर था उसके अंदर एयर ब्लो होती है, मतलब ये ऑक्सीजन ब्लो होता है, और उसके अंदर किसकी ग्रोथ होती है, एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ये एरोबिक माइक्रोब जो है उसको हम क्या करें उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो करने के बाद क्या करेगा, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो उस सीवेज में जो भी बैक्टीरिया है उनको वो मार देगा, मतलब कौन से, हार्मफुल, और अलॉन्ग विद द क्या कर रहा है, फंगस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है उसको भी। तो बैक्टीरिया और फंगस इन दोनों से फिर बाद में क्या होता है, उनके डेब्रिज से फ्लॉक्स तैयार हो गए, मतलब ये क्या हो रहा है कि इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक पास्ड इनटू द एरिएशन टैंक एंड एजिटेटेड मैकेनिकली, मैकेनिकली इसको एजिटेट कर रहे हैं, मतलब ये एयर पंप इनटू द इफ्लुएंट विच कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ एरोबिक हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब बैक्टीरिया और फंगा। और माइक्रोब क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो फ्लक्स तैयार करेंगे, ये जो बैक्टीरिया और फंगा है, बैक्टीरिया की डेड बॉडी और उसके बाद फंगस, जैसे देखते हैं ना, यानी कि कोई अगर लॉन्ग ऐसा हेयर है, बहुत सारे लॉन्ग हेयर्स है और नीचे धूल है, तो ये सब चिपक के एक फ्लॉक तैयार होता है। तो वैसे क्या होता है, ये बैक्टीरिया और ये जो फंगस है ये दोनों की डेड बॉडी, कैसे डेड हुआ ये, क्योंकि इनके ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया ने एक्शन की, और ये दोनों से क्या होता है, एक वायर मेश लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, वायर मेश लाइक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फ्लॉक्स, FLOCS, ये प्रोड्यूस होता है फ्लॉक्स। अब जो यहाँ पर फ्लॉक्स प्रोड्यूस हुए वाले, कैसे प्रोड्यूस हुए मैंने बोला आपको, तो इसके अंदर क्या था, बैक्टीरियल मास विथ फंगा है, तो ये याद रखें, फ्लॉक्स मतलब ही बैक्टीरियल मास प्लस फंगा है। अब इसके वजह से क्या होता है, जो बीओडी जो इफ्लुएंट का था जो पहले बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। क्या बोला मैंने आपको, कि जो बीओडी था, अब बीओडी का मीनिंग क्या होता है, तो बीओडी का मीनिंग होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड,
इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर सपोज हमारे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर, इसको हमने 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन किया फॉर 5 डेज, ठीक है, तो इस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया ने कितने मिलीग्राम का ऑक्सीजन यूटिलाइज किया, इसको बोलते हैं BOD। क्या बोला मैंने कि 1 लीटर पानी को अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर रहे हैं फॉर 5 डेज, और इस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है इसको डीकम्पोज करने के लिए माइक्रोब कितने मिलीग्राम का ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, इसको कहा जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस पानी में अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो बैक्टीरिया ज़्यादा रहेंगे, बैक्टीरिया ज़्यादा रहे तो वो पानी में से ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करता है माइक्रोब्स को मारने के लिए, तो इस पानी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पानी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब ही क्या होता है, BOD की वैल्यू बढ़ जाती है। BOD की वैल्यू बढ़ जाना मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाना, और इसका मतलब क्या होता है कि वाटर इज मोर पोल्यूटेड, पानी ज़्यादा प्रदूषित है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम है और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया ज़्यादा ऑक्सीजन पानी में से ले लेता है। तो उस पानी के अंदर के जो भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज कोई वाटर बॉडी है और उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज़ करेगा, तो उस पानी के अंदर का ऑक्सीजन कम हो जाएगा, BOD बढ़ जाएगी, उसके वजह से उस पानी के अंदर के फिशेस, प्लांट, ये सब डाई हो सकते, मर सकते। तो अब ये जो BOD बढ़ रहा था, इस BOD को कम करने के लिए हमने क्या किया, क्या यूज़ किया, पहले यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब यूज़ करने के बाद एक बार एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करता है, नेक्स्ट स्टेज में हम किसको यूज़ करते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया को। पहले स्टेज में हमने एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ किया क्योंकि हमने यहाँ पर एजिटेशन और एरिएशन किया था, जैसे वो रवि रहती है ना, अपन बटर मिल्क बनाते वक्त ऐसे घुमाते हैं तो उसके वजह से ऑक्सीजन उसमें जाता है, वैसे ही क्या करते हैं यहाँ पर, एरिएशन एजिटेशन, जिसके वजह से एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ होता है और हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस को मार के इनसे वायर मेश लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसको बोलते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इतना अगर याद है तो ये आगे की स्टेज बोल रहा हूँ मैं, पर लिखने के पहले थोड़ा ये रब कर दूंगा सो दैट आपको समझ में आए। अब क्या हुआ कि जो अब एरोबिक बैक्टीरिया ने एक्शन करने के बाद किसके ऊपर, जो सीवेज हमको मिला था, इस सीवेज के ऊपर क्या बोला हमने कि जो एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक माइक्रोब जो बोल रहे हैं, इन्होंने इसके ऊपर एक्शन करने के बाद हमको पता है कि यहाँ से क्या तैयार हुआ था, फ्लॉक्स। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। इसी फ्लॉक्स को क्या करते हैं, जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक पर लाए, जहाँ पे फ्लॉक्स का क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, क्या करते हैं इसको लाया जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब इस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होगा, फ्लॉक्स का सेडिमेंटेशन होता है, फ्लॉक्स का सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन का मीनिंग बोला मैंने आपको, हेवियर पार्टिकल गेट सेटल एट बॉटम ड्यू टू इट्स लार्ज मॉलिकुलर साइज, ये हो गया। अब यहाँ पर फ्लॉक्स क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हुआ। अब ये जो सेडिमेंट है, ये सेडिमेंट किसका काम करता है, मतलब फ्लॉक का सेडिमेंटेशन हो गया तो ये किसका रोल प्ले करता है, इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। ये नाम पक्का याद रखिए काम का है, एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूस हुआ, जो फ्लॉक के सेडिमेंटेशन के वजह से प्रोड्यूस हुआ, इसी को क्या करता है, एज अ इनोकुलेंट बोलकर यूज करता है। इनोकुलेंट मतलब ही क्या होता है, देखो ये जो सीवेज था इसके ऊपर हमने एरोबिक बैक्टीरिया को यूज किया, उसके बाद हम किसको यूज करने वाले, तो इसके बाद हम यूज करने वाले अनएरोबिक बैक्टीरिया को। पर क्या होता है, अनएरोबिक बैक्टीरिया यूज करने के बाद आगे जो प्रोडक्ट तैयार होंगे वो हमारे कुछ काम के, कुछ काम के नहीं, तो दूसरी बार और सीवेज आएगा। देखो इस सीवेज के पहले एरोबिक ट्रीटमेंट हो रहा, बाद में अनएरोबिक हो रहा है, मतलब पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, पर उसके बाद भी सीवेज और आते जाएगा क्योंकि वेस्ट वाटर आते जाएगा, तो हर बार इस सीवेज के ऊपर हमको एरोबिक माइक्रोब की जरूरत पहले गिरेगी बाद में अनएरोबिक की। तो इसलिए क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया को एज इनोकुलेंट बोलकर यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए आपके घर में आप एवरीडे कर्ड खाते हैं, पर आपके घर में कर्ड कम आता है
दूध हर दिन आता है। तो समझो क्या हुआ कि कल दूध ही आपके पास, दही नहीं है और आपको दही खाना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा कड़ बचा के रखोगे, और जो भी आपके घर पे मिल्क आ रहा है उसके अंदर क्या करोगे, कड़ के 2-3 ड्रॉप या कड़ हम उसके अंदर ऐसा इनोकुलेशन बोलकर ऐड करते हैं, इनोकुलेंट प्रोसेस को बोलेंगे इनोकुलेशन। तो वो ऐड करने के बाद क्या होता है, मिल्क का कन्वर्शन कड़ में होता है। तो वैसे क्या करते हैं हम, कुछ अरबिक बैक्टीरिया को वापस अपने साइड को थोड़ा सा रखते हैं ऐसे, क्योंकि और जब ये सीवेज आएगा तो इसके अंदर क्या करना है हमको, पहले अरबिक माइक्रोब को यूज़ करना है फर्स्ट टाइम, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अनारबिक यूज़ करना है। क्योंकि जब हम अरबिक बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं तो इस सीवेज के अंदर के जो माइक्रोब थे उनसे क्या तैयार हुआ था, फ्लॉक्स, जिसके अंदर क्या था, बैक्टीरियल मास अलॉन्ग विद द फंगाई, ठीक है। और जब हम अनारबिक बैक्टीरिया जो यूज़ कर रहे हैं तो इसके वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, जो सीवेज बचा हुआ था उस सीवेज से क्या प्रोड्यूस होता है, तो मेनली ये सब थिंग्स तैयार होते हैं। मतलब ही क्या तैयार होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। ये जो मीथेन है इसको बायोगैस, क्लारो क्लार गैस, मार्श गैस, सीवेज गैस, स्लज गैस बोला जाता है, और इसको एज अ फ्यूल बोलकर यूज़ किया जाएगा। और ये सब ट्रीटमेंट होने के बाद जो सुपर नेटेंट हमको मिल रहा है, कब, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद जो सुपर नेटेंट हमको मिल रहा है, इसको क्या आप कर सकते हैं, हम इसको रिवर के अंदर रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिवर के अंदर हम रिलीज कर सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज को कहाँ पर लाए थे, अनोरबिक डाइजेस्टर में, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो एक्टिवेटेड स्लज तैयार हुआ इसको हमने कहाँ पर यूज किया, इस अनोरबिक बैक्टीरिया के साथ। तो इसके लिए किसके अंदर हम यूज करते हैं इसको, अनोरबिक डाइजेस्टर में, एनारोबिक डाइजेस्टर। ये सब याद रखना है, जो मैं लिख के दे रहा हूँ ऐसा ही अगर आप लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो स्लश था, स्लश को ऐसा मैन्योर बोलकर हम यूज कर सकते हैं, लैंड पिल बोलकर यूज कर सकते हैं। बर्न पैथोजन होते हैं उसके अंदर, जो ओरिजिनल सीवेज के अंदर मर गए थे एनारोबिक डाइजेशन की वजह से। तो ये मैंने आपको यहाँ पर कौन सी प्रोसेस बोला था, मैंने आपको ये बोला था सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दिस इज व्हाट सेकेंडरी ट्रीटमेंट, याद रखिए इसके अंदर क्या क्या होगा, दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको ही क्या बोले थे, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। ये पूरा याद रखना है, यहाँ पे दिख रहा है देखो आपको, ये रिएक्शन टैंक है, यहाँ पर ये फ्लॉक्स दिखाई देते हो गया आपको, इधर ले लेता हूँ, ये देखिए आपको ये फ्लॉक्स दिखाई दे रहे, ये सब फ्लॉक्स दिखाई देते होंगे आपको, यहाँ पर दीज आर फ्लॉक्स, किससे तैयार हुए, तो बैक्टीरियल मास है, ठीक। नीचे लिखा हुआ फ्लॉक्स मीन्स मेश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल एलिमेंट्स, तो ये याद रखना आप सबका अच्छे से, आप रखता हूँ। ये एरिएशन टैंक है, ऊपर देखो पानी के ऊपर आपको फेस दिख रहा है फ्लोट, ये एरिएशन के वजह से होता है। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिख रहा है आपको, ये जो आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें दिखा रही, दीज आर ट्रिकलिंग फिल्टर बोलते हैं, और एक्टिवेटेड स्लज भी होता है, और जो मीथेन प्रोड्यूस हुआ उसको एज हम फ्यूल बोलकर यूज कर सकते हैं। कैसा फ्यूल, तो यहाँ पर दिख रहा है मीथेन को एज अ फ्यूल बोलकर यूज कर सकते हैं, क्लीन फ्यूल होता है मीथेन, ठीक। तो ये सब मेथड है बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर, सॉरी बायोगैस प्रोडक्शन बोला मैंने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। गंगा एक्शन प्लान, गंगा और यमुना दोनों को बचाने के लिए जो एक्शन लिया जा रहा है उसको कहा जाता है गंगा एक्शन प्लान, जो 1985 में स्टार्ट हुआ था। हम यहीं तक का देख लेंगे, देखो उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर रीड किया जल्दी समझ में आते जाएगा, देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल मेथड और ट्रीटमेंट, द प्राइमरी इफ्लुएंट, इफ्लुएंट का मीनिंग मैंने बोला आपको वाटर पोल्यूटेंट, पास्ड इनटू अ लार्ज एरिएशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब उसके अंदर क्या बोलते हैं, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर चमचा जो होता है हमारा स्पून, उसको आगे पीछे क्या करते हैं हम, शेक करते हैं, तो वैसे एजिटेशन करना जिसके वजह से उसके अंदर एयर ब्लो हो जाएगी, एयर पंप होगा। दिस अलोस वाइगरस, मतलब वाइगरस मतलब फास्ट ग्रोथ ऑफ यूजफुल अरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड याद रखना है, कौन से ऑर्गेनिज्म, अरोबिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर एयर है इसलिए अरोबिक, इंटू अ फ्लॉक्स, फ्लॉक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लॉक्स पक्का, ये नाम याद रखिए, जिसको बोला जाता है मासेस ऑफ
bacteria associated with the fungal filament to form a mesh-like structure. And while growing, these microbes consume a major part of ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट. तो उस इफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर, उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस बीओडी. ये क्या करता है, बीओडी को यानी कि इसको कम करेगा, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम करेगा, मतलब ही वाटर अच्छे से प्योर हो जाएगा. तो द सीवेज वाटर इज क्रिएटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड एंड द बीओडी मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर. And thus indirectly BOD is a measure of organic matter present in the water. कौन से water में कितना organic matter है, इसको क्या कहा जाता है, BOD. तो ये याद रखना है. उसके बाद एक क्या BOD बोला जाता है इसको, तो ये याद रखना है. उसके बाद once the BOD of water, waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into the settling tank. And where the bacterial flocks are allowed to sediment. और ये जो sediment produce होगा, इसी को बोला गया activated sludge. And a small part of activated sludge is pumped back. इसको वापस pump back किया जाता है. जो किसका काम करेगा, inoculum का. सब कुछ बोल चुका हूँ मैं. The remaining major part of sludge is pumped into a large tank called as anaerobic sludge digester. ये भी नाम याद रखना, anaerobic sludge digester. And here the other kind of bacteria which grows अनरोबिकली, तब पहले अरोबिक आया, बाद में अनरोबिक आया. डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगाई इन द स्लग. इनको डाइजेस्ट करेगा, मतलब इनके ऊपर एक्शन करेगा. एंड ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. कौन से गैसेस, तो बोल चुका, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. इनको कहा जाता है बायोगैस, जो कि इनफ्लेमेबल है, कंबस्टिबल है, ठीक, और क्लीन फ्यूल का काम करता है. द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली रिलीज्ड. तो इसको फिर रिलीज किया जाता है. कैसे रिलीज किया जाता है, समझ में आ रहा है, रिलीज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम एंड एन एरियल व्यू. अब यहाँ पर एक फोटो दिखाया गया, एरियल व्यू दिख रहा है हमको यहाँ पर एस टी पी का. यू कैन अप्रिसिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर. मतलब देखो, इतना सारा पानी को प्योर किया जाता है. मैंने देखा है बड़े जो सोसाइटीज है, जहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग है और अपार्टमेंट है, मतलब बहुत सारे बिल्डिंग मतलब ही अपार्टमेंट रहेगा, तो वहाँ पे मैं देखा था ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. और वहाँ पर मैंने पूछा था वहाँ पे जो लोग काम कर रहे, कि ये पानी कितना प्योर होता है, तो वो लोगों ने भी ये पानी मुझे पी कर दिखाया था, मतलब इतना प्योर कर सकता है. तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो वाटर वेस्ट हो रहा है एवरीडे, देखिए एक आदमी जो टॉयलेट को जा रहा है, वॉशरूम है उसका, यानी कि यूरिन है, उसके बाद शेविंग कर रहा है, ब्रश कर रहा है, तो जो जितना पानी वेस्ट जा रहा है, उस पानी को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है. तो वो इससे होगा एवरीडे अक्रॉस द ग्लोब. दिस मेथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन सेंचुरी नाउ एंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सब तरफ यूज किया जाता है. टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू रिवाइव द माइक्रोब ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. मतलब देखिए, अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जो माइक्रोब की जब किसी का, मतलब माइक्रोब को रिप्लेस करके हम कुछ यूज़ कर सकें. ये सिर्फ माइक्रोब में ही पावर है कि वो एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है. हमें नहीं होता वैसा, या कोई मशीन नहीं कर सकती जो माइक्रोब कर सकता है. इसलिए माइक्रोब ह्यूमन के लिए बहुत काम को आ गए. अगर माइक्रोब नहीं रहता तो इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ज़्यादा हार्मफुल सीवेज को लेस हार्मफुल फिर कैसे बनाया जाता, ये माइक्रोब के वजह से ही बन रहा है. यू आर अवेयर अबाउट ड्यू टू द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, डे बाई डे लोगों का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो सीवेज इज बींग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्ज क्वांटिटीज इवन बिफोर. हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टू ट्रीट सच अ लार्ज क्वांटिटीज. मतलब देखिए, एस टी पीज का नंबर बढ़ाना चाहिए, मतलब हर जगह ये होना चाहिए जहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो दैट हम सीवेज को ट्रीट कर पाए. सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इन टू द रिवर. ये बहुत बैड प्रैक्टिस है कि अगर सीवेज जो हम अगर डायरेक्टली रिवर में डालते होंगे तो, लीडिंग टू देयर पोल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिसीजेस. तो ये हो सकता है, अगर सीवेज को डायरेक्टली हम कहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, रिवर के अंदर. इसलिए इसको क्या करना जरूरी है, कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर यूज करना जरूरी है. द मिनिस्ट्री ऑफ, ये इनका नाम याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट
has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan. तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1985 के अराउंड। अभी अभी जो प्रोजेक्ट चालू बाय नरेंद्र मोदी, क्या है? नमामि गंगे, नमामि गंगे नाम है। उससे भी गंगा रिवर को सेव किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर है ये, और क्लीन रखना रिवर, ये हम सबका काम है। टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन अंडर सच दीज प्लान, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ऑनली ट्रीटेड सीवेज कैन बी डिस्चार्ज इन टू द रिवर। एंड अ विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज सिचुएटेड टू एनी प्लेस नियर टू यू वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। तो इसलिए आप अगर मेट्रो में है या कोई मेट्रो सिटी में जाकर आप ये देख सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा वर्क करता है, या तो आपके टाउन में भी होता है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो देखना चाहिए, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। पर उसके पहले ये सब पढ़ के जाना तो ही समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन, इतना सब याद रखना है। बट एक थोड़ी सी चीज़ इसके अंदर बोलना रह गया, यहाँ पर बोल देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड बोला, एक 1 मिनट के अंदर टर्शरी ट्रीटमेंट भी बोल देता हूँ। टर्शरी ट्रीटमेंट जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम, ये जो वाटर है जिसको क्लीन किया गया, इस वाटर के अंदर हम क्या करते हैं कि केमिकल्स ऐड करते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। तो कौन से केमिकल ऐड कर सकते हैं हम उस वाटर के अंदर? एक तो हम ओजोन ऐड कर सकते हैं, या तो उस वाटर के अंदर हम और क्या ऐड कर सकते हैं, परक्लोरेट सॉल्ट, परक्लोरेट सॉल्ट, या तो उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस करके उस पानी को और प्योर कर सकते हैं, या तो उस पानी के अंदर हम और कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गए, ओजोन, परक्लोरेट सॉल्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्लोरीन। उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर यूवी रेस। यूवी रेस भी क्या करते हैं कि जो उस वाटर के अंदर माइक्रोब्स हैं उनको वो डायरेक्टली किल कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना, यहाँ पर मैंने ऐड भी किया था ये सब इसीलिए आपको दिखाने के लिए। देखिए ये क्लोरीनेशन हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं, ये नीचे दिख रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस पोर यूज़ कर सकते हैं, जिरकोनियम यूज़ कर सकता है, ओजोन यूज़ कर सकता है, तो ये सब बोला है। ठीक है, ओके, तो स्टॉप करते हैं यहाँ पर।